हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज वर्क एनर्जी पावर लेक्चर 6. आई एम सो सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बट अगेन दिस इज अनअकैडमी जेई चैनल. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द रेड बटन, वो अभी दब जाना चाहिए, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट विल नोटिफाई यू अबाउट द ऑल इंपॉर्टेंट क्लासेस. ये लेक्चर 6 है, अगर किसी ने लेक्चर 1-5 नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके देख लेना, हमने प्ले लिस्ट में डाल दिया है. और बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट से दिस विल बी डन इन अ वेरी बहुत ज्यादा डेप्थ में किया जाएगा. जेई मेन्स एडवांस्ड कवर होगा इसमें, तो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवाइज भी करते रहें. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे. थैंक यू सो मच, आपके कमेंट्स पढ़े मैंने, बहुत अच्छा लगा पढ़ के. एंड अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं आए हो, इस टीम के साथ कनेक्ट नहीं किया है आपने, तो बहुत जल्दी अभी जल्दी से अपने फोन पे टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करो. एक बार टेलीग्राम ऐप आ गई तो अपने फोन के ब्राउजर पे जाओ, ब्राउजर पे जाके ये लिंक टाइप कर देना, ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम, यहां पे टाइप कर देना tinyurl.com/jeelivechat, तो यहां पे आप जुड़ जाओगे. 12,000 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 4,500 बच्चे हमारे साथ अनअकैडमी प्लस में जुड़ चुके हैं. बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये अनअकैडमी जेई पे आपको जेई मेंस और एडवांस की पूरी कंप्लीट हेल्प मिलेगी. सबसे बेस्ट कंटेंट, इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको, इंडिया की टॉप टीम आपको पढ़ाएगी. एंड अगेन वी विल यूज द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो, सो इट विल बी अ क्लासिक फ्यूजन ऑफ बोथ. उसके अलावा अनअकैडमी प्लस पे, अगेन इफ यू वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर, अगर आप हमारे साथ बहुत ही पर्सनलाइज्ड वे में पढ़ना चाहते हैं, डाउट सेशंस हमारे साथ अटेंड करना चाहते हैं, क्विजेज, नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज, और ये सारी क्लासेस एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे होती हैं जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे और सबसे ज्यादा एजुकेटर्स पढ़ाते हैं. और खाली हम ही नहीं पढ़ाते, यहां पे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, सिग्नेचर कोर्सेज चल रहे हैं, 11th के कोर्सेज चल रहे हैं, 12th के कोर्सेज चल रहे हैं, अगर मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, लाइव क्लासेस चलती हैं यहां पे, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी भी लाइव पढ़ाती है, इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लस पे हैं. तो अगर आप अभी तक प्लस पे नहीं आए हो तो डेफिनेटली डू वन थिंग, अभी के अभी फोन पे, अगर आप फोन से अटेंड कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप unacademy.com/plus पे जा सकते हैं ऑन योर लैपटॉप्स. तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो हमेशा टॉप ट्रेंडिंग में रहती है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं. इंस्टॉल करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस पे जाना, होम पे मत जाना, प्लस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे लाइव क्लासेस होती हैं. सो ये प्लस पे जाके IIT JEE सेलेक्ट करना, नीट के लिए भी है, IIT JEE या नीट सेलेक्ट करना, एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देना. ओके, गेट सब्सक्रिप्शन पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे बच्चों, तो मल्टीपल ऑप्शंस होंगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स. 11, ये एक साल का सब्सक्रिप्शन है 12th और ड्रॉपर्स के लिए, और ये हमने 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन स्टार्ट किया है, जिसका अगेन एज आई कीप सेइंग, अनअकैडमी इज जस्ट नॉट अ कंपनी, इट्स अ स्टेटमेंट, इट इज अनअकैडमी. अनअकैडमी इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल, एंड समथिंग विच विल मेक थिंग्स अनबिलीवेबल फॉर यू, स्पेशली इन विद रिस्पेक्ट टू IIT JEE एंड नीट. अब देखो, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन, इसका पर मंथ कॉस्ट बच्चों बताया कितना आता है? जैसे 1 मंथ का बहुत ज्यादा आता है 5,000, इसका कॉस्ट इतना कम होता है कि बच्चा गांव गांव में अफोर्ड कर सकता है, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स. तो यार 1 ईयर का मंथली कॉस्ट पड़ता है 2,000 रुपीज, और अगर आपने ये कोड यूज कर लिया, ये एक बहुत स्पेशल कोड है, इससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये अनअकैडमी जेई का कोड है बच्चों, अनअकैडमी जेई का कोड है जेई लाइव, इससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, 10% ऑफ तो हो ही जाएगा, 22,500 में आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, एक महीने की कॉस्ट होगी 1,800 रुपीज, एक दिन की कॉस्ट होगी खाली 60 रुपीज, एंड बच्चों इसका तो और भी कम होगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो लिंक नीचे है, स्टार्ट जल्दी से आ जाना. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे, दिस इज लेक्चर 6 ऑफ वर्क एनर्जी पावर, और आज हम बहुत ही बेहतरीन सवाल करने वाले हैं, और आज का बहुत ही फास्ट पेस्ड लेक्चर रहेगा और बहुत ही विजुअल रहेगा, जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा. नाउ बी वेरी विजिलेंट, क्योंकि ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा और आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा अगर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, जैसे हम करेंगे. तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि भाई इट्स वन ऑफ द ब्लाइंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, कि वर्क डन बाय एवरीवन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, और भी यूनिवर्सल चीज बताता हूं. चलो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, कोई इनिशियल एनर्जी थी, ध्यान से सुनना, एक मिनट रुको, इसका भी बाप फॉर्मूला लिखता हूं, एवरीवन प्लीज सी दिस, है ना. अब ये वैसे किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा सच, बट ऐसे आप सोच सकते हो कि एक इनिशियल एनर्जी है सिस्टम की, देर इज सम इनिशियल एनर्जी, एंड देन देर वॉज सम वर्क डन, देन देर वॉज सम वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट. ओके, इस वर्क डन के बाद कोई फाइनल एनर्जी आ गई, ठीक है, ई फाइनल. ओके, तो ये सबसे बेसिक होता है, देयर वाज सम इनिशियल एनर्जी इन अ सिस्टम,
you did some work, negative or positive, I don't know, and then you had some final energy, maybe greater, less, maybe lesser. बस basic है. इसमें क्या है? Work done by all the forces, including gravity. तो यहाँ पे तुमने potential energy नहीं लेते हो यहाँ पे, everyone. ये नहीं लेते हैं इसमें, work done by gravity लेते हैं. Work done by all the forces, including mg. तो इसलिए हम gravity नहीं लेते. Is equals to the change in kinetic energy. अगर positive work done हुआ है, जैसे अगर नीचे आ रहा है कुछ mgh, तो उसकी velocity बढ़ेगी. तो अगर positive work done हो रहा है, तो kinetic energy increase होगी. So this is k final minus k initial. अब हम कुछ problems करेंगे इसको इससे related. अब इसकी importance please go through this. बहुत simple है. Important क्यों है ये? क्योंकि इसमें आप Newton's laws of motion नहीं लगाना पड़ता. Maths को काफी simple कर देता है ये. एक point को देखो, दूसरे point को देखो, problem solve. अब देखो, अब सही में मजा आने वाला है. Let's have some looks on the examples of work energy theorem. तो एक तो ये तरीका होता है कि visualize ही कर लिया maximum. जहाँ जहाँ level बढ़ेगा वहाँ पे potential energy बढ़ेगी. But ये दोनों हमेशा constant रहेंगे. Everyone understand, ये दोनों हमेशा constant रहेंगे. अगर friction और ये सब, मतलब it's a conservative field, तो total mechanical energy conserved रहेगी. अब जैसे ये देखो, everyone have a look at this problem, have a look at this problem. अब यहाँ पे क्या है? ये fixed है wedge. Okay, ये m यहाँ पे, ये गिरता 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 यहाँ पे आ जाता है. तो उसकी velocity क्या है? अब सबको पता है root 2 gh है ना. अगर कोई भी चीज h से गिरती है ऐसे, तो root 2 gh. तो ये तो पता ही है. अब इसको हम work energy theorem से कैसे करेंगे और otherwise कैसे करेंगे, ठीक है? तो पहले तो मैं इसको work energy theorem से करता हूं. Everyone please see method 1, work energy theorem. But मैं कभी इसको इससे करता नहीं, मैं बहुत बार इसको use भी नहीं करता बच्चों. मैं थोड़ा visually करता हूं, मैं आपको वो सारे tricks बताऊंगा, ठीक है? तो Unacademy JEE पे वो सब आप पढ़ोगे. तो work energy theorem क्या कहता है कि work done by everyone from here to here, ये इसका initial state है. जब ये नीचे आ जाता है तो उसके पास कुछ velocity भी आ गई. यहां पे तो ये rest पे था, ठीक है? यहां पे तो ये rest पे था, है ना? तो भाई अब क्या है वर्क? अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे, खाली वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. तो क्या क्या फोर्सेस है बच्चों इस पे, क्या क्या फोर्सेस है? तो एक फोर्स है एम जी, ध्यान से देखो, एक फोर्स है एम जी, एक है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है? तो अब आप क्या लिखोगे? वर्क डन बाय इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो. और ये क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल. दो फोर्स दिख रहे हैं यहाँ पे मास पे, एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल, एक लग रहा है ग्रेविटी. बट यार नॉर्मल से कोई वर्क डन होगा क्या? क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है ना, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है हमेशा. ओके, एन इज ऑलवेज, तो यहां पर लिखो एन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डी एस, ठीक है? तो ये इसका n डॉट ds हमेशा जीरो होगा. तो यार ये तो जीरो हो जाएगा, बट वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? mg, और mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है? h. तो mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये क्या हो गया? v हो गया आपका अंडर रूट 2gh. डू आई प्रेफर दिस? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसके अलावा. इसके अलावा तरीका क्या है? अब ध्यान से देखो, इसके बाद जो मेन सवाल है इसके बाद आएंगे. अब देखो, मैंने बोल दिया कि ये जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, किसी भी लेवल को ले सकते हो. तो मैंने, क्योंकि डिफरेंस मैटर करता है पोटेंशियल एनर्जी में, सो दिस इज जीरो पीई लेवल, ये आपका जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है. अब यहां पे जितनी एनर्जी है वहां उतनी यहां पे भी होनी चाहिए टोटल, क्योंकि कोई खा नहीं रहा एनर्जी. देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन, नोबडी इज ईटिंग एनर्जी, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो यहां पे क्या था? यहां पे एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है. ओके, अब देखो यहां पे आप क्या कर लोगे? बस सिंपल, आपने बोला इनिशियल और ये बोला फाइनल, तो आप बोलोगे इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी. क्लियर? फाइनल एनर्जी. तो यार इनिशियल एनर्जी क्या दिख रही है आपको? इनिशियल एनर्जी बच्चों क्या दिख रही है? एमजीएच लिख दो, और यहां पे मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एमवी स्क्वायर. दैट्स इट, हाफ एमवी स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, फॉर्म चेंज किया है इसने, खत्म खत्म खत्म. रूट टू जी एच इज योर वेलोसिटी, ठीक है? बहुत ही सिंपल. चलो बच्चों, नाउ लेट्स मूव ऑन. और अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप, एक मिनट रुको, हाँ, कि आप इसको शेयर जरूर करना. शेयर दिस लाइव क्लास राइट नाउ विद द हैशटैग JEE लाइव डेली. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. विद द हैशटैग सारा इंडिया पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा.
और अगेन दिस इज अ रेवोल्यूशन जिसमें आप हमारे साथ हैं बच्चों. मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी जेई इज द ओनली यूट्यूब चैनल राइट नाउ विच इज ट्रेंडिंग. सो दैट इज एन एनालिटिक विच वी गॉट फ्रॉम यूट्यूब एंड दिस इज समथिंग विच इज रियली ऑसम. एंड अगेन दिस शोज दैट इट्स अ रेवोल्यूशन. खाली 3 महीने में 3 लाख बच्चे हमारे साथ जुड़ गए. पहले हम खाली 4 थे बच्चों, बट अब ये फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है और ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि इंडिया में ये चेंज लेके आए हम कि यार ऐसी अमेजिंग एजुकेशन जेई लेवल की, जेई मेन्स और एडवांस्ड, बच्चा एवरीवन विल बी ऑन द सेम लेवल एंड दैट इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू चेंज. उसके बाद तो यार किसी चीज की जरूरत नहीं है, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है एंड दिस हैज टू बी चेंज्ड ऑन मल्टीपल लेवल्स. और बच्चों मैं अगेन इन द कमिंग टाइम आई विल नॉट जस्ट स्टिक टू दिस, आई विल स्टिक टू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिससे ये चेंज आएगा और आप देखोगे. तो चलो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन है, अब यहां पे देखो दिस इज अ क्वेश्चन जहां पे ये वेज है. नाउ दिस इज अ वेज, ओके, एंड ऑन दिस वेज क्या हो रहा है, ऑन दिस वेज क्या हो रहा है कि ये नीचे आ रहा है, ओके, ये नीचे आ रहा है और उसके बाद क्या होगा, ये नीचे आके इसको दबा देगा, ये इसको दबा देगा. तो भाई तुम्हें यही निकालना है कि यार इसमें ये कितना कंप्रेस होता है मैक्सिमम. तो ये जाता 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 है मैक्सिमम कंप्रेशन करता है और वहां पे रुक जाएगा, रेस्ट से वापस से रेस्ट. तो बेसिकली आपको वो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है इनिशियल और फाइनल स्टेट में. तो आप बोलते हो ये इनिशियल स्टेट है, फाइनली ये यहां पे इसको कंप्रेस कर देगा, है ना, कंप्रेस कर दिया इसने इसको x से, ठीक है, इसको x से कंप्रेस कर दिया, ठीक है, ये फाइनल स्टेट है. अब जल्दी से बताओ वर्क डन क्या होगा इसमें. ओके, यहां पे इनिशियल काइनेटिक, मैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कर रहा हूं, आई डोंट लाइक दिस मेथड, आई विल टेल यू द रॉकस्टार मेथड आफ्टर दिस. अब ध्यान से सुनो, वर्क एनर्जी थ्योरम और दूसरा वाला इसके बात करेंगे, उसमें तो आपको प्यारी हो जाएगा. अब देखो यहां पे आपको कितनी एनर्जी दिख रही है, ओके, मतलब वर्क डन क्या है यहां से. अब देखो इनिशियल से फाइनल मैं लगा रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, बट आई डोंट लाइक दिस मेथड, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बट मैं लगा रहा हूं. अब देखो यहां से यहां तक वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय कितने फोर्सेस लग रहे हैं इसमें, इसमें पहले mg लगता है, फिर नॉर्मल लगता है, फिर यहां पे जब ये यहां से यहां जा रहा था तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स भी लगता है, ओके, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई. ये था रेस्ट पे, फाइनली भी ये आ गया रेस्ट पे. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों जीरो है, फाइनल माइनस इनिशियल दोनों जीरो हैं. तो ये तो आ गया आपका वर्क डन बाय नॉर्मल, हमेशा जीरो होगा बिकॉज नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डी एस, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डी एस, ठीक है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डी एस, समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल है, ये डी एस है, ठीक है. तो अब यार ये क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, एम जी एच, और वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, x से हुआ तो हाफ के एक्स स्क्वायर, बट नेगेटिव या पॉजिटिव, स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है तो नेगेटिव है, ऐसे देखो कितने से कंप्रेस किया, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज इक्वल्स टू जीरो. और यहां से आपका बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, देखो क्या आएगा, 2mgh, ओके, 2mgh अपॉन के अंडर रूट में एक्स, सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है. तो ये आपका आंसर हो गया, बट ये कोई अच्छा तरीका नहीं था इसको करने का. इसको अच्छा तरीका, इसका रॉकस्टार तरीका क्या है, अब देखते हैं. अब ये देखो, ये है इसका रॉकस्टार तरीका बच्चों, एनर्जी को देख लो, उसका हिसाब कर लो. और बच्चों ऐसे ही फिजिक्स से प्यार होता है, ऐसे ही प्यार होता है, वैसे नहीं होता है, ध्यान से समझो. सो लेट मी टेल यू, आई फेल इन लव विद फिजिक्स व्हेन आई वाज डूइंग वर्क पावर एनर्जी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम जब मैं बहुत आपकी तरह एक बच्चा था, आई मीन थोड़ा अर्ली कर लिया था मैंने 10th स्टैंडर्ड में कर लिया था ये, 9th या 10th में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट इस टाइम पे मुझे एक्चुअल लव हो गया था फिजिक्स से. अब ध्यान से समझो एवरीवन, अब यहां पे एनर्जी कितनी दिख रही है, अब मैं इसको एनर्जी से करूंगा, एनर्जी, खाली एनर्जी देखूंगा मैं. अब देखो मुझे क्या दिख रहा है, और अब अगर आप देखोगे तो आपको मजा भी आएगा, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बोलता हूं ये जीरो लेवल है, मैं बोलता हूं ये जीरो लेवल है ऑफ पीई, ये डैटम लेवल है, जीरो लेवल, यहां पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है. तो तुम्हें क्या दिख रही है, इनिशियली क्या एनर्जी दिख रही है, कुछ भी नहीं, खाली एक ही एनर्जी है एम जी एच. तो तुमने लिख दिया इनिशियल एनर्जी क्या है, एम जी एच, खत्म, ठीक है. और फाइनली अब वो नहीं रही, नीचे आ गया और यहां पे भी रेस्ट पे आ गया, यहां पे भी रेस्ट पे था, यहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन पे वापस से रेस्ट पे आ गया, ये तो कम होता जा रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन पे फिर से रेस्ट पे आ गया, ठीक है. तो इसने कितना कंप्रेस किया, इसको मान लो इसने एक्स कंप्रेस किया, देखो इसको एक्स कंप्रेस कर दिया है वहां पे, तो वो जो x है तो स्प्रिंग में कितनी एनर्जी घुस चुकी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग में कितनी एनर्जी घुस चुकी है, हाफ के एक्स स्क्वायर. तो ये जो पूरी एनर्जी थी कहां चली गई, स्प्रिंग में चली गई, किसी ने नहीं चुराया, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर. दिस इज द रॉकस्टार मेथड.
ओके सो एवरीवन लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज द रॉक स्टार मेथड, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किलो विजुलाइजेशन है इसमें, ये देखो किलो विजुलाइजेशन इसी को कहते हैं, एनर्जी देख के ही सॉल्व कर लिया, वर्क एनर्जी थ्योरम तक नहीं गए। बहुत बार वर्क एनर्जी थ्योरम करोगे तो गलती हो सकती है, बट इसमें आप जल्दी भी करोगे एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट, हाँ यार मैं बिल्कुल सही हूँ यार, मैंने तो देख ही लिया एनर्जी को, ठीक है ना, मैंने तो देख ही लिया साक्षात। चलो भगवान को नहीं, भगवान को तो नहीं देख सकते बट एनर्जी को देख लिया हमने, ठीक है आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके नाउ लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर सच प्रॉब्लम, बट उससे पहले एक और तरीका समझाता हूँ जिससे वर्क एनर्जी पावर का जो आपका सफर है ना उसमें फ्रिक्शन काफ़ी कम हो जाएगा। अब यह है कि फ्रिक्शन कितनी एनर्जी चुराता है ना वो भी सीख लेते हैं। मतलब अब समझो, अगर आपका एक ब्लॉक है ना, अब अगर आपका ब्लॉक ऐसे घसीट के जाता है ना, ऐसे म्यू वाले फ्लोर पे, तो ये ऐसे जाता है, तो भाई पता है आप अगर x घसीटा हुआ है इसका, तो बेसिकली फ्रिक्शन इंटू x, फ्रिक्शन कितना लग रहा है, म्यू एम जी, और x म्यू एम जी, x इज द एनर्जी लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, द नेगेटिव वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज द एनर्जी लॉस, समझ लो। अब जैसे ये ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक है, इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, म्यू एम जी, है ना, इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, म्यू एम जी, क्योंकि पूरा घसीट रहा है तो पूरा लग जाएगा फ्रिक्शन, म्यू एम जी, है ना, रिलेटिव मोशन हो रहा है, म्यू एम जी, और डिस्टेंस कितना इसने कवर किया, x, तो फ्रिक्शन ई लॉस, एनर्जी लॉस इज द नेगेटिव वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क कर रहा है ना, तो ये जो नेगेटिव वर्क करता है ये एनर्जी लॉस के बराबर होता है, ये एनर्जी लॉस के बराबर होता है, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी एक्स इन दिस केस, इन दिस केस, है ना। वैसे ये तो बहुत ही स्पेसिफिक हो गया, हमें खाली ऐसे लिखना चाहिए फ्रिक्शन इंटू एक्स, ठीक है, फ्रिक्शन इंटू एक्स, क्लियर। अब जैसे ये केस है, अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको एग्जैक्ट वो बता रहा हूँ कि मैंने एक मास को वेलोसिटी दे दी v ऑन अ फ्लोर ऑफ म्यू, ठीक है, तो यार इसके पास कितनी एनर्जी थी, इसके पास अभी कितनी एनर्जी दिख रही है स्क्रीन पे, मुझे इतनी एनर्जी दिख रही है सर, ठीक है, मुझे इतनी एनर्जी दिख रही है हाफ एम वी स्क्वायर, बिल्कुल, बट अब घसीटा, घसीटाबाजी होगी और बाद में क्या होगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा, दिस गाय विल कम टू रेस्ट, ये रेस्ट पे क्यों आया, ये रेस्ट पे, अब ये वैसे भी निकाल सकते हो क्योंकि ये देखो फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन कांस्टेंट है म्यू एम जी, तो एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन क्या हो गया, माइनस म्यू जी से भी थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो आप ये एक्स जो डिस्टेंस कवर होगा यहां पे, है ना, तो यू कैन एक्चुअली फाइंड दैट डिस्टेंस ऑल्सो कि कितना डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। अब समझो कि अगर ये एक्स आगे जाता है तो भाई मुझे बस इतना सा बताओ, फ्रिक्शन हमेशा कितना लग रहा था, फ्रिक्शन हमेशा कितना लग रहा था, म्यू एम जी, है ना, म्यू एम जी लग रहा था फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, फ्रिक्शन डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्स है ना, और फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, तो ये क्या होगा, म्यू एम जी इंटू एक्स इंटू कॉस 180 डिग्रीज, कॉस पाए, क्योंकि मतलब 90 डिग्रीज पे, मतलब माइनस म्यू एम जी एक्स, तो माइनस म्यू एम जी एक्स आ गया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस म्यू एम जी एक्स, सो दिस इज द एनर्जी लॉस, ठीक है, दिस इज द एनर्जी लॉस। तो यार यहां पे आपने हिसाब रखा, आपके पास एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपके पास इनिशियल एनर्जी थी, और अब देखो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही है, जीरो है, हर जगह जीरो है, तो भाई एनर्जी गई कहां, तो वो फ्रिक्शन ने चुरा ली, अगर वो एक्स घसीटा मारा उसने, तो एनर्जी इज लॉस्ट बाय फ्रिक्शन, म्यू एम जी एक्स, ठीक है, तो यहां से आप एक्स निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है, सॉल्व करके, ये एम एम कैंसिल हो जाएगा और आपका एक्स आ जाएगा, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ओके अब देखते हैं, अब कुछ अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, अब इसको ना जेई, अब जेई एडवांस्ड में ऐसे सवाल कितनी जल्दी होते हैं अब आपको समझ में आएगा। अब देखो इन द प्रीवियस, अब ये देखो ये एम है, अब आपको निकालना है कि ये कहां पे रुकेगा, ये नीचे गया, अब ये जाता रहता है इनफाइनाइट तक, बट यहां पे हमने रफ कर दिया म्यू, तो अब आपको निकालना है कि ये एच एक्स डिस्टेंस क्या होगा, कितना आगे जाएगा और रुक जाएगा, कितना आगे जाएगा और रुक जाएगा। तो अच्छा तरीका पहले बता देता हूं फिर बुरा तरीका बताऊंगा, अब अच्छा तरीका, बिकॉज अब हम अच्छे से ही करेंगे। अब आपको एनर्जी कितनी दिख रही है यहां पे, जल्दी बताओ एनर्जी कितनी दिख रही है, एम जी एच, है ना, तो आपने लिख दी कि भाई मुझे इनिशियल एनर्जी दिख रही है सर एम जी एच, ठीक है, अब जो भी होना है एम जी एच का होना है, जो भी होना है एम जी एच का होना है। नाउ दिस इज अ जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज जीरो पीई लेवल, ठीक है, ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है। अब ये यहां पे आ गया है, इसने यहां पे कुछ खर्चा किया, एम जी एच पूरा खपा दिया इसने, वापस से रेस्ट पे आ गया ये बेशरम, ठीक है, तो भाई अब ये रेस्ट पे था, ये वापस से रेस्ट पे आ गया, बट यहां पे इसके पास एनर्जी थी एम जी एच, वो कहां गई, वो इसमें चली गई, ठीक है। सो अब यहां पे क्या बोलोगे तुम, तो यहां पे एवरीवन तुम हिसाब करोगे एनर्जी का,
MGH was the initial energy और वो पूरी खर्च हो गई, क्या हो गई, म्यू एम जी एक्स कर दिया आपने, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फ्रिक्शन वॉज म्यू एम जी, ठीक है, तो ये क्या है, ई लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, इसको लिखो ई लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस इज द एनर्जी लॉस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, एम हटाया जी हटाया जी हटाया तो एक्स क्या आ गया, एच बाय म्यू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एम जी एच इज इक्वल टू म्यू एम जी एक्स, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट, इनिशियल एनर्जी, तो बेसिकली अब आई एक और चीज समझ में आ गई, देर इज सम इनिशियल एनर्जी, अब देखो ब्लैक स्क्रीन पे आ जाओ, है ना, देर इज सम इनिशियल एनर्जी, अब यार एनर्जी के लिए ग्रीन बनाते हैं, ग्रीन से थोड़ा एनर्जी की फील आती है, ठीक है, ये तुम्हारे पास इनिशियल एनर्जी थी, ठीक है, इज इक्वल्स टू सम एनर्जी विच वॉज लॉस्ट, अब अगर वो चलता भी रहता थोड़ी देर के बाद, तो अब रुको देखो 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 देखो, सो ये ई लॉस, ये रेड में कर देते हैं, ये थोड़ा सा ई लॉस हो गया, ये इतनी एनर्जी थी फिर ई लॉस हो गया, तो भाई अब कुछ बचा भी तो होगा, कुछ बचा भी तो होगा, है ना, दिस इज ई फाइनल, दैट्स इट, समझ में आ गए, एनर्जी इनिशियल, तुम्हारे वॉलेट में कुछ पैसा था, तुमने यहाँ पे खर्चा कर दिया, भाई रईस हो तुम, है ना, फ्रिक्शन पे खर्च कर दिया, और प्लस तो उसके बाद भी कुछ एनर्जी थी, ठीक है, समझ में आ गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ओके, मतलब अगर मैं ये पूछ लेता कि मुझे पता है कि h by mu पे ये रुक जाएगा, है ना, रुक जाएगा, तो मैं अगर ये पूछ सकता था तुमसे कि आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ h by 2 mu, मतलब h हाफ h by mu, इसकी वेलोसिटी क्या होती, क्योंकि वहां पे रुकता नहीं, h by mu पे रुकता है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होती है, वो निकाल सकते थे ना तुम ऐसे, एम जी एच इज इक्वल टू यहाँ तक जितना म्यू एम जी इंटू दिस डिस्टेंस, और फिर तुम निकाल लेते हैं, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, नाउ 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 नाउ, अब इसको दूसरा तरीका, वर्क एनर्जी थ्योरम वाला तरीका, वर्क, अगर तुम्हारा कभी दिमाग नहीं चले तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना, वर्क एनर्जी थ्योरम मेथड, थ्योरम वे, है ना, दिस इज मेथड वन, वो कैसे होगा, नाउ वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब यहां से लेकर यहां पे रुक गया है, ध्यान से देखो, ये मास यहां पे रेस्ट पे है, यहां पे भी रेस्ट पे है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, वर्क डन बाय ऑल ऑल द फोर्सेज इन द, मतलब जो भी लग रहे हैं इस पे, इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई, ठीक है, तो ये डेल्टा के ई तो आपको समझ में आ गया, जीरो प्लस जीरो, हाफ एम जीरो स्क्वायर, हाफ एम जीरो स्क्वायर, इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इस पर वर्क डन कौन कर रहा है, नॉर्मल नहीं कर रहा है ना, इस पर वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रहा है ना, वर्क डन बाय, ये देखो यहाँ पे एम जी लग रहा है, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, और फिर जब ये यहाँ आता है तो इस पर फ्रिक्शन भी लगता है, ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल भी कर दो, चलो ये तो जीरो हो जाएगा, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा एम जी एच, क्योंकि नीचे आ रहा है एम जी एच, ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन हमेशा म्यू एम जी नीचे लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस म्यू एम जी, है ना, म्यू एम जी इंटू द डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है, ये इज इक्वल्स टू जीरो, सेम ही चीज़ आ गई, ठीक है, सेम ही चीज़ आ गई, नहीं तो विजुलाइज कर लो, थोड़ा और बेटर लगता है, थोड़ा और बेटर फील होता है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, ठीक है, अब नाउ दिस क्वेश्चन, नाउ दिस क्वेश्चन इज समथिंग, अब आप मानोगे नहीं, अब आप मानोगे नहीं, ये क्वेश्चन एक्चुअली जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस में आया हुआ है, आई फॉरगॉट द ईयर, आपको लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिला होगा, और पता है आपको इसमें ये हुआ था कि 90% जनता ने गलत कर दिया था, 90% जनता ने गलत कर दिया था, उसमें ये लिखा था कि इफ आई अटैच, अब ये फिगर नहीं दिया था, फिगर मैं दे रहा हूं, उन्होंने बोला था कि अगर एक मास एम आपको अटैच करना है एक स्प्रिंग पे, है ना, तो उसका मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा, और बच्चों ने बेवकूफों की तरह ये कर दिया कि मैंने अटैच कर दिया है और रेस्ट पे भी कर दिया है, ठीक है, तो उसने बोला कि उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ये एम है, ओके, और ये के है, तो उन्होंने बोला ये लग रहा होगा एम जी और ये लग रहा होगा के एक्स, उन्होंने कर दिया, ये क्या सवाल आ गया आईआईटी में, है ना, है ना, और ये सवाल बहुत अच्छा था, ये बहुत बड़ा गुगली सवाल था, एम जी बाय के एस का आंसर नहीं था, दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, नाउ अंडरस्टैंड आई एम गोइंग टू इरेज एवरीथिंग, अब आपको पता है क्या होगा, एवरीवन विजुअलाइज दिस, जब आप इस मास को अटैच करोगे, मतलब मैंने इसको इस ट्रे पे जस्ट रखा है, अटैच कर दिया एक तरीके से, तो मैंने जस्ट रखा तो होगा क्या, कुछ ऐसा होगा, विजुलाइज करो, किला विजुलाइजेशन, मैंने अटैच किया तो ये हमेशा मूव करता रहेगा, यही होगा ना, यही होगा, समझ में आ गया, तो ये अब देखो अटैच कहाँ पे किया था, ये नेचुरल लेंथ थी इसकी, तो मैंने यहाँ पे अटैच किया था इसको, यहाँ पे मैंने अटैच किया था इसको, समझ में आ गया, तो मैंने जब यहाँ पे अटैच किया, एक मिनट रुको, नहीं मैं ये नेचुरल लेंथ नहीं, सॉरी, ये नेचुरल लेंथ नहीं है, रुको, ये नेचुरल लेंथ नहीं है, ये तो फोर्स बैलेंस पोजिशन है, तो मैंने यहाँ पे अटैच किया, यहाँ पे अटैच किया, यहाँ पे फोर्स बैलेंस पोजीशन आएगी, फोर्स बैलेंस पोजीशन
यहाँ पे मैंने अटैच किया, ये नेचुरल लेंथ बोल देता हूँ मैं इसको, और फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे भी जाएगा। तो मतलब यहाँ पर, यहाँ तक स्प्रिंग थी, बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ तक आपकी स्प्रिंग थी और यहाँ पे मैंने अटैच किया था, यहाँ पे मैंने अटैच किया था। तो यार अब जब मैंने अटैच किया तो अब ध्यान से सुनना, तो ये एक्सेलरेट करेगा नीचे, एम जी विल बी ग्रेटर देन द स्प्रिंग फोर्स, तो एक्सेलरेट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपका स्प्रिंग फोर्स एम जी के बराबर हो गया, ध्यान से देखो एम जी के बराबर हो गया। अब ये डीएक्सेलरेट करेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट कर रहा था, अब स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगा, बट वेलोसिटी गेन कर ली है ना इसने, यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई है, अब रुकता नहीं है एकदम से, वेलोसिटी है इसके पास, एक्सेलरेट कर रहा था ना क्योंकि फोर्स था तो एक्सेलरेशन था, तो यहाँ तक उसने एक्सेलरेट किया, अब ये और एक्सेलरेट करेगा नीचे, और फिर ये जाके यहाँ पे रुकेगा, ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि वेलोसिटी है ना, अब ये यहाँ पे रिटार्ट करेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये वाला फोर्स इससे ज़्यादा होगा, तो पहले एक्सेलरेट कर रहा था फिर रिटार्ड कर रहा है, समझ में आ गया, तो पहले इसकी स्पीड बढ़ती है, यहां पे मैक्सिमम होती है फिर कम होती है, बट हम बेवकूफों की तरह क्या कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं, तो अल्टीमेटली वो जो प्रॉब्लम था वो था कि हमने यहां पे रख दिया ब्लॉक को और अपने हाथों से उसको इंश्योर किया उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और अटैच हो गया mg = kx, बट यहां पे अगर आपने यहां पे अटैच किया तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसको पहले मैं सॉल्व कर देता हूं और फिर आप देखोगे कि कितना सिंपल है। तो मैंने इसको, अब ध्यान से सुनो, मैंने इस मास को ऐसे रखा है ना, और फिर ये मेरा इनिशियल है, उसके बाद बच्चों क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि ये इलॉन्गेट होता होता होता, जब ये मैक्सिमम उस पॉइंट पे गया, ध्यान से देखो, मैक्सिमम उस पॉइंट पे गया, ये मेरा मैक्सिमम वो है x इलॉन्गेशन, ये मेरा मैक्सिमम इलॉन्गेशन है, ये वापस से रेस्ट पे आ गया। अब मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर डालूंगा, एनर्जी कंजर्व कर डालूंगा, तो मैं इसको बोलता हूं कि ये मेरा जीरो लेवल है, जो लोएस्ट लेवल होता है ना उसको जीरो लेवल ले लो, है ना, तो मैं इसको जीरो लेवल ले रहा हूं। अब ना मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, डायरेक्टली करेंगे जीरो पी, ठीक है, अब ये जीरो पी लेवल है। तो बच्चों इनिशियल एनर्जी क्या थी, एम जी एक्स, है ना, इनिशियल एनर्जी क्या थी, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, यहां पे क्या एनर्जी दिख रही है ना, स्प्रिंग बिल्कुल इलॉन्गेटेड नहीं है, बिल्कुल नेचुरल लेंथ पे है, ये नेचुरल लेंथ पे है, अब ये यहाँ पे इलॉन्गेट हो गई ना एक्स से, तो यार यहाँ पे एनर्जी कितनी दिख रही है, एम जी एक्स, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल है, मान लो यहाँ पे जमीन है ना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी दिख रही है, एम जी एक्स, स्प्रिंग में कितनी एनर्जी भर गई, फिर से रेस्ट पे आ गया, अब एनर्जी गई कहाँ, स्प्रिंग में घुस गई, है ना, स्प्रिंग इलॉन्गेट हो गया एक्स से, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन से हो गया, तो टू एम जी By k is equals to x, ये आंसर आ गया आपका। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जो एक ट्रिक होती है, जो एक ट्रिक होती है, बहुत सारे बच्चे ये समझ जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये SHM हो रहा है, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ऐसा ऐसा मोशन हो रहा है, तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन है इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे यार, है ना, वो और भी ज्यादा सिंपल है, वो हलवा है, एक्चुअली वो एक्चुअल हलवा है, वो फ्री मार्क्स होते हैं, बट बहुत सारे बच्चे उसमें मार्क्स नहीं ला पाते हैं, एक ट्रिक पता होगी तो सब हो जाएगा। अब देखो, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज, अगर आपने फोर्स बैलेंस पोजीशन निकाल ली तो इसका डबल ही होता है, लगभग ये इसका डबल ही होता है, तो ये क्या होगा, एम जी बाय के, ये भी होगा एम जी बाय के, एम जी बाय के, तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ये फोर्स बैलेंस पोजीशन निकाल देते हैं, उसका डबल उसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये जब यहां तक गया तो एक्सेलरेशन, तो जितना इसका एक्सेलरेटिंग फेज होगा उतना ही डीएक्सेलरेटिंग फेज होगा, जितना एक्सेलरेटिंग फेज होगा उतना ही डीएक्सेलरेटिंग फेज होगा। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड आई होप यू अप्रिशिएट दिस प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, यू शुड अप्रिशिएट दिस प्रॉब्लम। अब ये एक और प्रॉब्लम पूछता हूं, अब अगर मैं इस स्प्रिंग पे एफ फोर्स लगाता हूं तो तुम बोलोगे एलोंगेशन कितना होगा मैक्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स, बट अगर मैं बोलूं कि अब मैं इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहा हूं, तो अगर मैं फोर्स ऐसे, जैसे इस पे अभी मैंने क्या किया, एम जी फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो ये ऐसे ऐसे होता रहेगा, तो वही वाली बात हो जाएगी, जब मैं एफ लगाऊंगा तो तुम वही करोगे, तुम बोलोगे एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, जो फोर्स ने वर्क डन किया, मतलब वर्क डन बाय द फोर्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन, मतलब द स्प्रिंग में जितनी एनर्जी चली गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो वहां पे आप थोड़ा वैसे समझ सकते हो, ओके फोर्स ने कितना वर्क किया, एफ एक्स, है ना, और वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हुआ, माइनस हाफ, माइनस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वर्क नेट वर्क डन इज डन बाय स्प्रिंग एंड द फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज जीरो, तो मतलब वैसे निकाल सकते हो। ओके अब आगे बढ़ते हैं, और इसको घसीटते नहीं है, हाँ
सो ये प्लीज गो थ्रू द थ्योरी है बेसिकली जो मैंने आपको किलर विजुअलाइजेशन से दिखाया था ये वही चीजें हैं है ना. तो उसने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और ये हर एक के नोट्स में है. जब से IIT में आया था ना ये एक लेजेंडरी प्रॉब्लम हो गया था. तो प्लीज गो थ्रू दिस. अब एक और बहुत ही अच्छा लेजेंडरी प्रॉब्लम करते हैं एंड दिस इज द प्रॉब्लम कि यार ये मास m है और ये स्ट्रिंग है एल लेंथ की और इसको मैंने वेलोसिटी दी वी, इसको मैंने वेलोसिटी दी वी. तो यार अब मुझे बताना है कि यार ये कितना इसकी वेलोसिटी होगी. समथिंग लाइक एक मिनट मैं देख रहा हूँ कि इफ़ आई हैव कोई व्यवस्था है मेरे को आपको विजुलाइज कराने की. तो लेट मी ट्राई टू डू दैट. एक मिनट रुको बच्चों. तो अगर आप इसको देखो एवरीवन फोकस हियर है ना. तो यार ये है ना ये आपका वो एम लेंथ हो गया. तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो ये ऊपर जाता है ना. तो यार यहां पे थीटा पे इसकी वेलोसिटी पूछ रहे हैं, समझ में आ गया. तो ये यहां पे मैंने व्यू दी तो ये ऊपर जा रहा है, कम होती जा रही है वेलोसिटी. तो यार एट अ थीटा कुछ तो कमी होगी वेलोसिटी, राइट. अब वो निकालनी है. अब यार उसको कैसे निकालेंगे, वर्क डन से करें. जनरली इसके सारे सॉल्यूशन आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के मिलेंगे, बट अब मैं आपको थोड़ा विजुअल तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है. अब इसको विजुअल तरीका बताता हूं, एवरीवन फोकस, ठीक है. अब देखो इसका मास एम यहां पे है, ठीक है. तो अब मैं बोलता हूं कि ये इसका इनिशियल है, ठीक है. ये इनिशियल है, ये फाइनल है. फाइनल कुछ ऐसे होगा, ठीक है. फाइनल कुछ ऐसे होगा, करेक्ट. फाइनल एट एन एंगल थीटा होगा, ठीक है. इसको फाइनल बोल देते हैं, ठीक है. फाइनल ये है. फाइनल में इसकी वेलोसिटी ऐसे वी है, ठीक है. फाइनल में इसकी वेलोसिटी वी है. अब वही है, यहां पे जमीन मान लो, जमीन मान लो. अब जरूरी थोड़ी है कि छू नहीं रही है, बट ये डैटम लेवल है. जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मान लो. फिर एनर्जी को विजुलाइज कर लो, खत्म है ना. पोटेंशियल एनर्जी को भी ले आओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी और ये सब नहीं करेंगे अपन फिर, ठीक है. तो मैं इसको बोल रहा हूं ये पीई इज इक्वल टू जीरो लेवल है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है. ये जीरो पीई लेवल है, ये लोएस्ट पॉइंट था. अब ये थीटा से ऊपर चला गया है बच्चों. अब अगर ये थीटा से ऊपर पहुंच गया है, अगर ये एल है ना, तो जल्दी से बताओ टक 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 टक. तो ये क्या होगा, ये होगा एल कॉस थीटा, है ना. देखो दिख रहा है ना, एल कॉस थीटा कोसाइन स्टिक्स. तो यार ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एल कॉस थीटा और ये पूरा क्या था, ये एल था. तो ये कितना ऊपर गया, एल इंटू सॉरी एल माइनस एल कॉस थीटा. तो यार ये कितना ऊपर गया बच्चों, तो ये कितना ऊपर गया, ये गया l इंटू वन माइनस कॉस थीटा. समझ में आ गया, l माइनस एल कॉस थीटा ऊपर गया, बस खत्म. दैट्स इट. अब आप इनिशियल और फाइनल में लिख दोगे एनर्जी, इनिशियल में कितनी एनर्जी दिख रही है और फाइनल में कितनी एनर्जी दिख रही है, ठीक है. दिस इज योर इनिशियल, दिस इज योर फाइनल. तो अब आप लिखोगे एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू एनर्जी फाइनल. एनर्जी इनिशियल क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, है ना, जीरो पोटेंशियल एनर्जी. तो जल्दी से देखो, मैंने लिखा हाफ एम यू स्क्वायर is equals to half mu square is equals to. अब क्या हो गया, यहाँ पे potential energy भी है और kinetic energy भी है. अब देखो इसकी velocity v भी है, तो यार वहाँ पे final में इसकी energy दोनों है, half mv square plus mg into this height, height बढ़ गई ना, तो potential energy बढ़ गई, plus mg into l 1 minus cos theta. अब यार वैसे इसको अब इससे निकाल लेना, अब तुम्हारा आ जाएगा इससे आंसर. क्या आंसर आएगा, तुम्हें v निकालना है ना, तुम्हें ये निकालना है, ठीक है. तो ये निकालना है, तो ये m तो कैंसिल कर दो और v निकालो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी. चलो v निकालते हैं, है ना. तो v कैसे आएगा, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं सब कुछ, है ना. तो ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा का अंडर रूट, ये आ जाएगा आपका v. ये कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, बड़ा ही सुंदर ऑप्शन है ये, दिख रहा है मुझे ये वाला दिख रहा है, ठीक है. सी, ठीक है, ये वाला आंसर है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सी आ रहा है सबका, ओके, इज एवरीवन गेटिंग सी, ओके. तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब यार ये तो हो गया, अब ये तो हो गया, बट इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है कि इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे करते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम से ऐसे करते हैं कि यहां पे यू है, यहां पे वी है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, है ना. अब ये नेगेटिव क्वांटिटी होगी और वर्क कौन कर रहा है, टेंशन कभी वर्क नहीं कर रही है. टेंशन देखो, टेंशन हमेशा परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट से, एमजी ही वर्क कर रहा है. तो एमजी वर्क डन में ग्रेविटी क्या होगा, माइनस एमजी इनटू दिस हाइट एल इनटू वन माइनस कॉस थीटा. तो उससे भी वही चीज आएगी, यही इक्वेशन आएगा, बट इस बार अगर आप ऐसे लिखते हो तो आप विजुलाइज करते हो, उसमें आप थ्योरम यूज करते हो. तो भाई दोनों तरीके से आना चाहिए, है ना, मतलब सौ बात की एक बात. तो यार दोनों तरीके से यहां पे है. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द सम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो हम अभी कर रहे थे. ये वही चीज है, देखो यहाँ पे पूरी एनर्जी थी, यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक हो गई पूरी एनर्जी, अब देखो लूज हो रही है एनर्जी,
लूज हो रही है फ्रिक्शन की वजह से, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है ना, तो लूज हो रही है, देखो यहाँ पे लूज हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, और जीरो हो जाएगी, सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, देखो समझे, समझ रहे हो, मतलब विजुलाइज कर रहे हो एनर्जी को, देखो यहाँ पे पूरी पोटेंशियल एनर्जी है ब्लू वाली, कम हो रही है, कम हो रही है, काइनेटिक बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, देखो देखो बढ़ रही है, बढ़ रही है, और उसके बाद देखो क्या होगा, अब देखो ये वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन होगा फ्रिक्शन का, है ना, वो खा जाएगा सब कुछ, जल्दी से देखो खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, ठीक है, ओके, और देखो सब कुछ जीरो हो रहा है, वो सब कुछ भर गया इसमें, ठीक है, तो यू कैन जस्टिफाई एवरीथिंग, गायब नहीं हो सकता, हाँ डिसिपेट हो सकता है, गायब नहीं हो सकता, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, हाँ, अब जैसे ये है कि साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, है ना, घसीटा हुआ साउंड एनर्जी हो गई, तो यार देखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो यार ये क्या है, ये हमने किया था ना पहले, वर्क डन फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम, मतलब 100 बात की एक बात यार, इसमें ये होता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप कंजर्व करते हो, मतलब ये होता है कि यार अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो वहाँ पे आप करते क्या हो, ये वही, तो वही चीज़ है ना, कंजर्वेटिव सिस्टम है, तो आप करते क्या हो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करते हो आप, है ना, क्योंकि कोई चुरा नहीं रहा है उसको, कोई चुरा नहीं रहा है, तो प्लीज यू गो थ्रू दिस, इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है, समझ में आ रहा है, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रेस्ट पे है एच पे, तो इसकी एनर्जी कितनी है, MgH, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि रेस्ट पे है, अब ये गिर रहा है, अब गिर रहा है बट हाइट भी है कुछ, जीरो लेवल इसको माना है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, MgY लिख दिया, MgY प्लस हाफ MV² वेलोसिटी है, अब नीचे जा रहा है तो और वेलोसिटी बढ़ गई, नीचे जा रहा है ना, तो ये Vmax है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हाफ MV² प्लस जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यार यही तो होती है, अब ये सारी सारी चीजें सेम है, दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, हर पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्योंकि कहीं खर्चा नहीं कर रहे तुम, ठीक है, खर्चा नहीं कर रहे, बस पास ऑन कर रहे हो, ठीक है, फैमिली में पैसा पास ऑन होता जा रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो वर्ल्ड में, है ना, तो पैसा किसी से किसी दूसरे के पास ही आ रहा है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू बर्न द कैश, ओके, मतलब बर्न द कैश मतलब जला दो, एक्चुअली मत, डोंट डू दैट, इट्स इलीगल, ओके, तो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस, अब ये बेस्ट एग्जांपल है, देखो हमेशा करता रहेगा इनफाइनाइट तक, फॉर्म चेंज कर रहा है, यहाँ पे देखो हाईएस्ट में जीरो हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो बेसिकली ये कर्व भी यही बोलता है कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये देखो ये लाइन टोटल एनर्जी है, और यहाँ पे देखो जब कोई चीज़ ऊपर फेंकते हो, है ना, फेंकते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, है ना, अब ये ऊपर फेंका तुमने तो अब देखो उसकी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, यहाँ पे ज़्यादा थी तो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो इसको देख लेना, ओके, तो बेसिकली विजुलाइज करो इन सब चीज़ों को, मज़ा आएगा, नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाती है चीज़ें इफ़ यू जस्ट लुक एट देम, अगर विजुलाइज नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा यार, ओके, अब देखो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में भी घुस जाती है, देखो इसकी इसकी इस भाई साहब की, ये लास्ट क्लास में भी देखा था हमने, इसकी काइनेटिक एनर्जी है, देखो काइनेटिक एनर्जी है पूरी, है ना, पूरी काइनेटिक एनर्जी है, अब ये इसमें स्प्रिंग में भर रहा है, भर रहा है, ये जीरो हो गई, स्प्रिंग में पूरा भर दिया और स्प्रिंग ने वापस भी दे दिया इसको, ठीक है, तो भाई यही रहता है व्यवहार इन सबके बीच में, एनर्जी के बीच में, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे ये गो थ्रू दिस ऑल्सो यार, अब ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये होता रहेगा, सबको पता है, अगर फ्रिक्शन लेस है तो ये होता रहेगा, इनफाइनाइटली होता रहेगा, एयर फ्रिक्शन भी नहीं है असल में, तो रुक जाता है आफ्टर सम टाइम, बट ये होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, अगर ये सब कुछ स्मूद है, आइडियल है, तो यार इसमें ये भी देखो कि एंड पॉइंट पे वेलोसिटी, ये अब ये मैक्सिमम मैक्सिमम पे ये इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, सारी एनर्जी किस में, स्प्रिंग में, ये ए है, ये लेंथ ए है, एम्पलीट्यूड, तो हाफ के ए स्क्वायर एनर्जी है तुम जो तुम देख रहे हो, हाफ के ए स्क्वायर, अब जब ये एक्स पे है, कहीं बीच में, कहीं बीच में इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि वेलोसिटी है ना कुछ, वेलोसिटी वी है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे तेज होगा ये, यहाँ पे रेस्ट पे आता है, यहाँ पे रेस्ट पे आता है, बीच में सबसे तेज होता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि इलोंगेशन भी नहीं है और कंप्रेशन भी नहीं है, तो स्प्रिंग में एनर्जी नहीं है, सारी एनर्जी कहाँ है, काइनेटिक एनर्जी, तो वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, गो थ्रू दिस, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत सिंपल है यार, है ना, देख लेना इसको, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ना, ये हमने पहले भी कर रखा है, अब ये देखो इलस्ट्रेशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कुछ और देखते हैं, अब जैसे ये है, इस सवाल को करते हैं यार, चेन वाले बहुत सवाल आते हैं और ये बकवास सवाल होते हैं यार, सीरियसली अगर आप देखोगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द आईआईटी एंड वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है, अगर आपको रियली आईआईटी में आईआईटी को क्रैक करना है, नीट को क्रैक करना है, एम्स को क्रैक करना है, केवीपीवाई, तो ऐसे सवाल ना जल्दी कैसे करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट, अब जैसे ये है, इसमें क्या है, ये 2L/3 है, ये L/3 है, तो मतलब ये 2M/3 होगी, ये M/3 होगी, समझ में आ गया, ये कुछ मास है, अब यार एक चीज़ है, अगर पूरी की पूरी चेन यहाँ पे होती तो नीचे नहीं आती, बट हल्का सा भी तुमने ऐसे कर दिया ना तो स्मूद है,
तो ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, क्योंकि हल्का सा भी यहां पे फोर्स लग गया ना तो पूरा खींच लेगा इसको, पूरा खींच लेगा। तो ऐसे छोड़ोगे, ऐसे छोड़ोगे, ऐसे पकड़ के रखा है तुमने, अब तुमने छोड़ा ना तो ये पूरी की पूरी ऐसे स्लाइड कर जाएगी। अब ये यही पूछ रहा है कि जब ये पूरी की पूरी स्लाइड हो जाती है ना, ये इनिशियल है ना, ये तुम्हारी इनिशियल स्टेट है और ये तुम्हारी फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट में ये पूरी की पूरी चेन नीचे आ गई है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या है या काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो ये पूरी की पूरी चेन यहाँ पे आ गई है, टक 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 टक, पूरी लंबी चौड़ी ये पूरी, देखो यहाँ पे ऐसे 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 ये फिसलती फिसलती यहाँ पे आ गई, ये तुम्हारी फाइनल स्टेट हो गई। लिख दो यहाँ पे, ये फाइनल है। मतलब मैंने आई डोंट वांट टू ड्रॉ द, मतलब मैं चित्र नहीं बनाना चाहता था इसका, बट देख लो। तो भाई अब इंपॉर्टेंट क्या समझना, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका, इस पूरे का मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, सेंटर ऑफ मास। वैसे पढ़ा नहीं है बट यार कॉमन सेंस की बात है, इस पूरे का मास मैं मान सकता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पे मान लेते हैं, ये मास m पड़ा है, ठीक है, मास m पड़ा है एट अ डिस्टेंस l बाई टू, ये l बाई टू पे इसका मास पड़ा है, ठीक है, इसको l बाई टू कर देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये एक मास है, ये भी एक मास होगा, है ना, ये कितना मास है, ये पूरा 2m, ये देखो ये 2m बाई थ्री होगा और ये m बाई थ्री होगा, m बाई थ्री। मासेस को मैं गोले में डाल देता हूँ, m बाई थ्री मास, 2m बाई थ्री मास, क्योंकि ये l बाई थ्री है, ये 2l बाई थ्री है, ओके okay, मतलब सेम लेंथ की चेन हमेशा इक्वल मासेस होते हैं, अगर ये l बाई टू होती तो m बाई टू होती, ये l बाई थ्री है तो मतलब लीनियर मास डेंसिटी यार, म्यू इंटू l है ना, m बाई l इंटू l बाई थ्री, तो ये 2l बाई थ्री होगी, ये 2m बाई थ्री होगी, तो दिस इज m बाई थ्री मास, दिस इज 2m बाई थ्री मास, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये था समझना। अब इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो ये नीचे जा रहा है ना तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग एंड काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, ये चीज नीचे गिर रही है ग्रेविटी में। तो यार अगर ये गिर रही है ग्रेविटी में तो लोएस्ट पॉइंट किसको लूं मैं, है ना, मुझे यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, मतलब इन शॉर्ट अगर इसकी वेलोसिटी, इन शॉर्ट रुको रुको रुको, इन शॉर्ट अगर, एक मिनट रुको यार, किस कौन सा कलर यूज करूं, ग्रीन कर लेते हैं, इन शॉर्ट अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे वी है तो मुझे बताना है कि हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, दिस इज व्हाट आई हैव टू से, ठीक है, आई हैव टू फाइंड दिस, ठीक है, आई हैव टू फाइंड दिस। अब बच्चों इनिशियल और फाइनल में बस मैं एनर्जी कंजर्व करने वाला हूं, ध्यान से देखना बहुत मजा आएगा इसमें, एनर्जी इज इक्वल, इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल। अब आईआईटी वे ये है कि आप डैटम लेवल सही से चूज करो, डैटम लेवल या मतलब जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, बहुत सारे बच्चे ये ले लेते हैं उससे भी आंसर आ जाएगा, बट यार मैं ये ले रहा हूं क्योंकि अगर मैं ये लेता हूँ ना तो या यहाँ पे इसकी खाली काइनेटिक एनर्जी है, अगर मैं ये ले लेता हूँ ना, देखो जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, अगर मैं इसको ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ले लिया, अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज माय जीरो पीई लेवल, ठीक है, तो ऑल आई हैव टू सी इज कि भाई यहाँ से सबकी पोटेंशियल एनर्जी मेजर करूंगा मैं, इसकी जीरो हो गई फाइनली, है ना, तो बस दैट्स इट। अब मैं क्या करूंगा, एनर्जी इनिशियल एंड एनर्जी फाइनल, एनर्जी इनिशियल लिखते हैं, इनिशियल इनकी खाली क्या एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, अब इस जमीन से, अब देखो इस जमीन से, अब बच्चों ये लेंथ निकाल सकते हो क्या, ये लेंथ निकाल सकते हो, अब ये l बाई थ्री है तो ये l बाई थ्री के मिडिल में ही होगा सेंटर ऑफ मास, तो ये l बाई सिक्स हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा, l बाई सिक्स, l बाई सिक्स, तो तुम्हें क्या निकालना है, l बाई सिक्स, तो ये क्या हो गया, l बाई सिक्स हो गया, ठीक है, सो ये l बाई थ्री का आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l बाय सिक्स, क्लियर, ये हो गया l बाय सिक्स, कोई गलती तो नहीं किया ना मैंने, हाँ गलती नहीं की है ना मैंने, एवरीवन आई होप मैंने कोई गलती नहीं की हो, और ये 2m बाई थ्री कितने पे है, l बाई टू पे है, l बाई टू पे है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये यहाँ से अगर ये l बाई थ्री है तो ये क्या होगा, l बाई सिक्स, और ये होगा l बाई सिक्स, ठीक है, हाँ सही है। तो भाई अभी तुम्हें कितनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी दिख रही है, अब देखो इस मास की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दिस मास इंटू जी इंटू दिस हाइट, दिस मास इंटू जी इंटू दिस हाइट, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वही लिखने वाला हूँ मैं, तो मैं क्या लिखूंगा, 2m बाई थ्री इंटू जी, एम जी एच होती है ना, दिस मास इंटू ग्रेविटी इंटू दिस लेंथ, लिख दो l बाय टू। अब ये चीज है ना, ये l बाय थ्री है और ये, अरे यार एक गलती हो गई, सॉरी एक गलती हो गई, एक गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हुई है, ये l बाय सिक्स नहीं होगा, मुझे लग ही रहा था कि मैंने वो गलती की है, और अब सुनो मैं बताता हूं क्या है ये, सुनो ध्यान से सुनना यार, ये पूरा l बाय टू है, ये पूरा l बाय टू है और ये l बाय थ्री है ना, तो यार ये कैसे आएगा,
अब ये रुको 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 रुको, हाँ तो यार ये निकालना है हमें, ये लेंथ। तो यार ये चीज़ एल बाई सिक्स है, ये चीज़ एल बाई सिक्स है और ये एल बाई टू है, समझे मेरी बात। ये कुछ डिफरेंस है इनके बीच में भी कुछ डिफरेंस है। ये एल बाई थ्री हमें लग रहा था कि ये एल बाई टू है और ये एल बाई थ्री है, हमें थोड़ा नीचे ड्रॉ करना चाहिए था, ये लाइन थोड़ी नीचे लेनी चाहिए थी, है ना। तो अब यार अब देखो ये क्या होगा, ये चीज़ कैसे निकालेंगे, ये चीज़ ऐसे निकालेंगे एल बाई टू माइनस एल बाई सिक्स, ठीक है ये एल बाई सिक्स है और ये पूरा एल बाई टू है, तो ये क्या होगा एल बाई टू माइनस एल बाई सिक्स। अब जल्दी से मुझे बताओ ये क्या आता है, एल बाई टू माइनस एल बाई सिक्स क्या आता है, एल बाई टू माइनस एल बाई सिक्स क्या आता है, ठीक है एल बाई टू माइनस एल बाई सिक्स इंटू थ्री इंटू थ्री, ठीक है तो ये क्या होगा होमोजीनियस हो गया ये, तो हो जाएगा टू एल बाई सिक्स, टू एल बाई सिक्स विल बी एल बाई थ्री हो गया, ठीक है हाँ एल बाई थ्री, ठीक है तो ये आ गया L बाई थ्री, क्लियर L बाई थ्री आ गया। चलो ये L बाई थ्री आ गया एवरीवन, इसको मिटा देते हैं, ये जो लकी टर्म ने किया था इसको मिटा देते हैं, हमें निकालना है हाफ एम वी स्क्वायर, ओके प्लस अब इस टू एम इसका इस मास का भी लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से, तो ये क्या होगा M बाई थ्री इंटू जी इंटू एल बाई थ्री, ठीक है इंटू एल बाई थ्री इज इक्वल्स टू इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस मास का, ये तो डैटम लेवल पे ही है, जीरो जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, आपको तो यही निकालना है ना बच्चों, यू हैव टू टेक आउट दिस ओनली, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। अब बस यही है, एम जी एल एम जी एल दोनों जगह है, अब फ्रैक्शन देख लो क्या है ना, एम जी एल दोनों जगह आएगा एम जी एल, और अब यहाँ पर फ्रैक्शन क्या होगा जल्दी से देखो, वन बाई थ्री होगा यहाँ पे, वन बाई थ्री आ रहा है ना, टू टू कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है वन बाई नाइन आ रहा है, वन बाई नाइन आ रहा है, ठीक है तो इसको इंटू थ्री कर दिया तो ये फोर बाई नाइन आ गया ना, तो ये क्या हो गया फोर बाई नाइन एम जी एल, ओके बहुत बढ़िया सवाल था। चलो नाउ लेट्स मूव अहेड विद सम मोर प्रॉब्लम्स। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, अब इसमें क्या है, अब ये थोड़ा मैथमेटिकल इन नेचर है, अगेन योर जेई मेन लेवल क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल अंडर अ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, अंडर अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, मतलब जैसे ग्रेविटी जैसा कुछ है ना, वो बेसिकली इज गिवन बाय दिस, है ना, कंजर्वेटिव कोई एनर्जी नहीं ले रहा है, मतलब कंजर्वेटिव फील्ड है, मतलब योर टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, तो यार योर यू पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन लाइक दिस, यू इज गिवन एज 10 प्लस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। और मैं आपको इससे बहुत अच्छी ट्रिक्स भी बताऊंगा इसमें, एट एक्स इज इक्वल टू सिक्स, अब ये भी गिवन है, एट एक्स इज इक्वल टू सिक्स, एट एक्स इज इक्वल टू सिक्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी को के ले लेते हैं यार, है ना, क्योंकि यू और के हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी है 10, के इज 10, दिस इज गिवन, ठीक है नाउ दिस इज गिवन, तो के इज 10, एवरी वन फोकस, एट x इज इक्वल टू सिक्स के इज 10, और u भी निकाल लो x को डाल के, है ना, u भी निकाल लो, है ना, और u भी निकाल लो, u एट x इज इक्वल टू 10, सॉरी x इज इक्वल टू 6, है ना, रुको, एट x इज इक्वल टू 6 विल बी हाउ मच 10 प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 14, ठीक है u इज 14, तो यार यहां से अब आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन समझ में आई कि अगर आपको सम पता चल गया किसी चीज़ का एक पॉइंट पे, याद है हमने वो वाला प्रॉब्लम किया था, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इन दोनों का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और वो कांस्टेंट रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, तो यार यहाँ पे ये 10 है ये 14 है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू यू प्लस के एट एनी पॉइंट, तो यार यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि टोटल एनर्जी 24 है, टोटल एनर्जी 24 है। Now comes the main part. आपको निकालना क्या है, आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो आपको के मैक्स निकालना है, सो दिस इज वॉट यू हैव टू फाइंड आउट, के की मैक्सिमम वैल्यू, तो बट के आए तो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यू की निकाल सकते हो आप डिफ्रेंशिएट करके, बट यू की मैक्सिमम वैल्यू आप वैसे भी निकाल सकते हो, मतलब यू की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, यू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों जल्दी से बता दो यार, यू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अब ये चीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको जीरो कर सकते हैं क्या, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती,
है ना, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। तो अब मैं यहाँ से यू मिनिमम निकाल सकता हूँ, जब एक्स फोर है तो यू मिनिमम यहाँ से मैं देख सकता हूँ, यू मिनिमम इज इक्वल्स टू 10 होगा। तो जब यू मिनिमम 10 होगा तो काइनेटिक एनर्जी तभी मैक्सिमम होगी जब यू मिनिमम होगा, क्योंकि इनका सम तो कॉन्स्टेंट रहता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ के मैक्स, ये एक ओरल तरीका था इसको करने का, ये 24 है ना टोटल, तो ये होगा 14। तो ओरली मैंने इसका आंसर निकाल दिया 14, समझ में आ गया, क्योंकि क्योंकि टोटल एनर्जी ऐसी थी। नहीं तो इसका लंबा तरीका बता देता हूँ करने का, इसका लंबा तरीका करने का बता देता हूँ, व्हाट इज द लंबा तरीका ऑफ डूइंग दिस। लंबा तरीका वुड हैव बीन कि तुम्हें यू पता है, तो तुम्हें ये पता है कि के प्लस यू इज 24, है ना, तो तुम निकाल सकते हो कि के एट एनी एक्स प्लस यू एट एनी एक्स इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये यू एक्स है ना, ये यू एक्स है, बेसिकली यू एक्स है, ठीक है, इसको यू एक्स ही लिख लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो यार एट एनी एक्स निकालना है, और फिर निकालेंगे कि किस एक्स पे है, मैथमेटिकल करना है तो कर लो यार, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यू एक्स तुम्हें पता है और तुम्हें ये भी पता है 24, इस इन्फॉर्मेशन से पता चल गई थी टोटल एनर्जी क्या है इसकी वजह से। तो यार अब तुमने ये किया, तो तुमने ये पूरी चीज़ यहाँ पे डाल दी, ठीक है, इसको तुम यहाँ पे डालोगे और तुम के एक्स निकाल लोगे, के एक्स क्या आएगा तुम्हारा 14 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर। अब फिर से वही वाली बात हो गई, मैक्सिमम चाहिए ना इसका 14 माइनस समथिंग पॉजिटिव, अब ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम वैल्यू के क्या आ गई यार, x इज इक्वल टू 4 पे 14 है ना। तो यहाँ से भी समझ में आ गया कि k मैक्स क्या होगा, विल बी एट x इज इक्वल टू 4 विच विल बी 14, दैट्स इट। बट अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना था तो डिफ्रेंशिएट भी कर सकते थे यार, अनदर वे, है ना, कि आप अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट ही करना है तो कर लो यार, डी के बाई डी एक्स निकाल लो, डी के बाई डी एक्स क्या होगा, ये क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस 4 आ जाएगा इसका, इज इक्वल टू 0 करो कि कहाँ पे ये 0 होता है, तो यार इससे आ जाएगा x शुड बी 4, यहाँ पे ये मिनिमा होगा, तो ये मिनिमा होगा, ठीक है, मिनिमा निकल जाएगा, मतलब दो बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो पता चल जाएगा कि ये मिनिमा ही है और कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, एवरी वन नॉलेज चावल ओके दिस प्रॉब्लम, एवरी वन नॉलेज चावल ओके दिस प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको करने के मैं आपको दो तीन तरीके बताऊंगा। तो एक तो ये है कि यूज वर्क एनर्जी थ्योरम टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक्स व्हेन दे मूव बाय अ डिस्टेंस एक्स, व्हेन दे मूव बाय अ डिस्टेंस एक्स। तो यार एक चीज याद है आपको, एटवुड मशीन में मैंने सिखाई थी, क्या इसको वैसे कर सकते हैं कि दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड दे विल मूव विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, ये ए से जाएगा, ये भी ए से जाएगा, ठीक है, और अगर ये x ट्रैवल करता है, ध्यान से देखो, अगर ये x ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ 2ax, 2gh की तरह 2ax, मतलब थर्ड इक्वेशन लगाया मैंने यहाँ पे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये लगाया मैंने यहाँ पे, तो इससे ये आ जाएगा क्योंकि u जीरो है और बेसिकली ऐसे आ जाएगा। तो यार एक्सेलरेशन पता है आपको, तो ये वैसे ही हो गया आपका प्रॉब्लम, मतलब ये एक तरीका है करने का, इसको दूसरा तरीका बताऊंगा, एनर्जी वाला तरीका बताऊंगा, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यार ये क्या होगा, आप ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन क्या आता था इसका, एटवुड मशीन का एक्सेलरेशन क्या आता था इसका, ये कुछ ऐसा आता था ना, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी, बस घुसेड़ दो यार इसको वहाँ पे, अब इस चीज़ को यहाँ पे डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो अगर इसको मैं घुसेड़ूंगा इसको वहाँ पे, तो ये क्या आएगा, 2m2 माइनस m1, ये आ जाएगा ना, देखो सी ऑप्शन आ जाएगा आपका, ये तो नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, यही आएगा, है ना। इसको अब एनर्जी का मेथड करने का, मतलब हाउ कैन यू डू इट विद विजुअलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम तो और भी सिंपल है, बट अब ये समझो, ये इनिशियल था, ये फाइनल हो गया, ठीक है, ये इनिशियल था, ये फाइनल हो गया। अब मैं इसको बच्चों क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल रहा हूँ, बट ये ट्रेन की तरह, ये एक्स नीचे जाएगा, ये एक्स नीचे जाएगा तो ये एक्स ऊपर जाएगा, ठीक है, ये एक्स नीचे जाएगा तो ये एक्स ऊपर जाएगा। तो मैंने ये बोला, ये एक्स यहाँ गया, ये एक्स यहाँ गया, तो यार ये लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है मुझे, चलो इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी का लोएस्ट लेवल मान लेता हूँ, इसको मैं डैटम लेवल मान लेता हूँ, चलो मैं मान रहा हूँ कि ये मेरा जीरो पीई लेवल है, ठीक है, मैं इसको जीरो पीई लेवल मान रहा हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या था x, ठीक है, ये x है, ओके, अब मैंने सेम लेवल पे ले लिया, नहीं लेते तो भी यार थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, बट बड़ी बात नहीं है। तो यार अब जल्दी से बताओ, एनर्जी इनिशियल एनर्जी कितनी दिख रही है, यहाँ पे एनर्जी कितनी दिख रही है, m1 gx प्लस m2 gx, है ना, तो इनिशियल एनर्जी कितनी दिख रही है,
इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी वी और वी होगी। ट्रेन की तरह चलते नहीं है, ट्रेन की तरह चलते हैं, है ना, ट्रेन के डब्बों की तरह, ये वी से जाएगा तो ये भी वी से जाएगा। तो यार ये अब देखो यहाँ पे इनिशियल एनर्जी क्या दिख रही है, यहाँ पे इनिशियल एनर्जी आपको दिख रही है एम वन प्लस एम टू, दोनों एम वन और एम टू एक्स ऊपर है जी एक्स। फाइनल एनर्जी आपको क्या दिख रही है, इसकी जीरो हो गई, बट इसकी क्या हो गई, ये क्या है बच्चों, ये 2x होगा ना, x और x 2x, तो ये m1 2x ऊपर चला गया, तो इसकी एनर्जी लिखो m1 g into 2x, इसकी एनर्जी, इसकी जीरो है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और प्लस दोनों की काइनेटिक एनर्जी है, प्लस हाफ m1 v square प्लस हाफ m2 v square। तो यार यहां से आपका v आ जाएगा, बहुत आसानी से वही चीज आएगी, अगर आप इसको विजुलाइज करोगे तो यही आएगा। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, एवरीवन फोकस, तो m1 प्लस m2 है, यहाँ पे भी m1 प्लस m2 ही बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, अगर मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ ना, तो ये m2 माइनस m1 बन जाएगा, क्योंकि ये 2mgx है ना, तो ये बन जाएगा m2 माइनस m1 gx, इन दोनों टर्म्स को मर्ज कर दिया, और ये 2 इसका यहाँ पे ले लो, है ना, ये हाफ एम वी स्क्वायर का, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। तो देखो वही चीज़ आ गई ना, देखो 2 m2 माइनस m1 gx अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू v, ये वही आ गया इससे भी। अब इसे वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे करते हैं, अब यार वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे करते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम से बच्चों इसको ऐसे करते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब ये x नीचे जाएगा ना, वर्क डन बाय, वर्क डन कौन कर रहा है, टेंशन का वर्क डन जीरो होगा, टेंशन का वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि इसका टी एक्स टी इंटू एक्स होगा, इसका माइनस टी एक्स होगा, टी इंटू एक्स है ना, माइनस टी एक्स, वर्क डन बाय टेंशन वैसे भी जीरो होता है। तो यार अब देखो इसका वर्क डन कितना है, एम टू जी एक्स, इसका क्या है, माइनस एम वन जी एक्स, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लिया इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वैसे भी कर सकते थे, ठीक है, उससे ज्यादा आसान होता है इस केस में, बट आपने ये भी देख लिया एनर्जी विजुअलाइजेशन से, और वर्क डन बाय ग्रेविटी से भी कर सकते थे, है ना। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई, इनिशियली रेस्ट पे था ना, फाइनली दोनों इससे चल रहे हैं, एम वन प्लस एम टू वी स्क्वायर से चलने लग जाएंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, इस पे पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा एम टू जी एक्स, और इस पे नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वन जी एक्स, क्योंकि एक्स नीचे जाएगा एक्स ऊपर जाएगा, खत्म, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। चलो मतलब जो भी यूज करना है, बट अगेन विजुअलाइजेशन इज की हियर, मैंने दोनों तरीके से बता दिया। ओके अब ये प्रॉब्लम करते हैं, ओके अब ये प्रॉब्लम क्या है कि अब ये ए वेज जब नीचे आता है एच से तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो अब समझो इस चीज को, यहां पे एनर्जी कैसे क्या हो रहा है, एनर्जी का ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी दे रही है, क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी आ गई, इसकी भी वेलोसिटी आ जाएगी, सबको पता नहीं कंस्ट्रेंट मोशन में पढ़ा था ये हमने, कंस्ट्रेंट मोशन में पढ़ा था ये हमने, ठीक है। तो अब ये दोनों का मास एम और एम है, एम और एम, ये एम एच से नीचे आता है और ये एम वहां जाता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसकी एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी दोनों को काइनेटिक एनर्जी देती है, तो बस वही करना है यार, वही करना है और क्या करना है। तो भाई अब यार हमने ये पढ़ा था कंस्ट्रेंट मोशन में, ध्यान से देखो कि ये इसका फाइनल स्टेज होगा, एवरीवन प्लीज सी, अगर ये जीरो लेवल है, मैं फाइनल स्टेज यहीं पर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ठीक है, फाइनल स्टेज ये होगा कि इसकी वेलोसिटी यहां पे होगी v, ये निकालनी है, इसकी होगी v1, ओके और इनिशियल एनर्जी क्या थी, mgh, ठीक है, तो यहां पे एनर्जी इनिशियल और एनर्जी फाइनल, ठीक है, बोथ शुड बी इक्वल, कोई कुछ मतलब चुरा नहीं रहा है एनर्जीज। यहाँ पे एनर्जी क्या दिख रही है, जीरो लेवल इसको ले लिया, तो यहाँ पे एनर्जी इनिशियल क्या दिख रही है, इसको जीरो पी ई ले लो, ठीक है, ये एनर्जी क्या है, एम जी एच। फाइनल एनर्जी क्या होगी, इसकी होगी हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस इसकी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, दैट्स इट। बट कंस्ट्रेंट रिलेशन में हमने एक और चीज सीखी थी कि यार ऐसे प्रॉब्लम्स में आप रिलेट कर सकते हो V1 और V2 को, है ना, कैसे रिलेट कर सकते हो। अब देखो ये पॉइंट नीचे जाएगा V से इस पे, और ये पॉइंट, अब देखो इस पे भी एक और देख लो, ये पॉइंट ऐसे जाएगा, ये इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये V है तो ये V1 है, बट इनकी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर में, क्योंकि ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, बट
इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे नहीं है, मतलब नहीं तो कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा ना, दोनों की वेलोसिटी ऐसे सेम होनी चाहिए क्योंकि ये चिपके हुए हैं, समझ में आ गया? तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दिस दोनों की सेम होनी चाहिए, कौन दोनों की सेम होनी चाहिए, अगर दोनों की परपेंडिकुलर सेम होंगी तो ये चिपकेंगे, चिपके रहेंगे। तो भाई वो भी कर देते हैं, चलो ये अगर आप करोगे टंग 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 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है? तो ये आ जाएगी इसकी v cos थीटा, ठीक है? और ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये वाला हो जाएगा v1 sin थीटा, ठीक है? इसको भी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा v1 sin थीटा। इसको करने के तीन चार तरीके बताए थे मैंने NLM में ये निकालने के, ये एक तरीका नहीं है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। एन डॉट वी को भी जीरो कर सकते हो, मतलब वो सब चीज़ें। तो यार यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कंस्ट्रेंट रिलेशन से, वी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी वन साइन थीटा, वी वन साइन थीटा। तो भाई एक ही वेरिएबल चाहिए क्योंकि मुझे तो वी चाहिए ना, तो वी वन को क्यों लेना है, तो इसको मैं ले लेता हूँ वी वन कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, वी वन कॉट थीटा ले लो यार, ठीक है? इसको कॉट थीटा ले लो, वी वन वी कॉट थीटा इज इक्वल टू वी वन, बहुत सारे बच्चे इसको रेड भी लेते हैं, है ना? बट ये निकाल लिया हमने वी कॉट थीटा, इसको यहाँ पे डाल दो वी वन में, है ना? तो ये बहुत ईजिली आ जाएगा आपका, तो ये एम और एम और एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर इंटू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जी एच। कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा यार यहाँ से, अगर दिख नहीं रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं है यार, दिख नहीं रहा तो दिख जाएगा। अब ये देखो, इसको कॉस स्क्वायर को सी बाय एस होता है ना, कॉस बाय साइन होता है ना, तो उसको ऐसे लिखो वी स्क्वायर वन प्लस सी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये टू जी एच यहाँ पे लेना था, सॉरी हाफ का टू वहाँ लेना था, इज इक्वल्स टू टू जी एच। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यार ये चीज़ सिंप्लीफाई होके आ जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू जी एच साइन थीटा, है ना? समझ में आ गया? एलसीएम लोगे तो ऊपर वन आ जाएगा। और ये आ गया v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी एच साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू साइन थीटा। ये बहुत बढ़िया, ठीक है? चलो बच्चों, एंड दिस इज योर होमवर्क, ठीक है? क्योंकि अभी पारस सर की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो जाके देख लेना अभी, है ना? एंड आई होप यू गाइज आर लविंग इट, एंड ये कल डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है और इसको करने का बहुत ही अमेजिंग तरीका है। अब देख लेना, ये आपका होमवर्क है, आई एम नॉट जस्ट, इसका स्नैपशॉट ले लो। थैंक यू सो मच। एंड बच्चों अब आपको क्या करना है आपको पता है, इट्स सिंपल, ये तहस नहस कर दो, ओके? इसमें आपको जितनी एनर्जी लगानी है इसको तहस नहस कर दो, शेयर हो जाना चाहिए विद द हैशटैग जेई लाइव डेली, और ये वाला बटन दब जाना चाहिए, मुझे नहीं पता, एवरीवन प्लीज एंश्योर दैट दिस बटन इज प्रेस्ड, क्योंकि अगेन ये हम आपको हमारे साथ जोड़ता है, इस रेवोल्यूशन के साथ जोड़ता है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, कि नोटिफिकेशन आपको आते रहे, एंड अटेंड लाइव, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच, और PDF आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड पारस सर की क्लास अभी अटेंड कर लो, गॉड ऑफ केमिस्ट्री। चलो।